वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। आज मैं करेला का सब्जी बनाने वाली हूँ। और करेला का भाजी बनाने के लिए क्या क्या ली हूँ, मैं करेला ली हूँ 250 ग्राम, और ये बटाटा ली हूँ 2 मीडियम साइज का, एक कांदा ली हूँ, और 2 छोटे छोटे टमाटर ली हूँ, 3 मिर्ची ली हूँ, 3 कली ये है लहसुन, और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, इसको कद्दूकस करके काटेंगे। पहले सबसे पहले करेला का भाजी बनाने के लिए हम छोटे छोटे पीसेस में काट लेते हैं करेला को, और नमक पानी में है जो है आधा घंटा के लिए रख देते हैं। ये देखिए दोस्तों, देख सकते हैं ज़्यादा पतला नहीं, ज़्यादा मोटा नहीं, मीडियम साइज में हम ऐसे राउंड शेप में काट लेते हैं इसको, और बड़ी चम्मच में 1 चम्मच नमक दे के इसको रख देंगे। पहले सब काट लेते हैं, 1 चम्मच नमक दे देते हैं और इसको रख देते हैं आधा घंटा के लिए। ये देखिए दोस्तों, बटाटा को थोड़ा फ्राई कर लिया है, मैं आप लोगों को दिखाई नहीं, मैं थोड़ा फ्राई करके निकाल दी हूँ, ये ऐसे करके काटी हूँ। अभी करेला को भी उसी ऑयल में फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, करेला फ्राई कर लिया, थोड़ा सा ऑयल देके मैं बटाटा फ्राई किया तो उसका तेल बचा था, अब निकाल लेते हैं। ये देखिए कलर आ दिए हैं दोस्तों, थोड़ा सा करी पत्ता, अदरक लहसुन कद्दूकस किया है, और एक मीडियम साइज का प्याज, हरी मिर्च। देखिए दोस्तों, प्याज अच्छे से पक गया है, जो ये मसाला मैं दिखाया था, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, सूखे लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी पाउडर, और ये हल्दी पाउडर। टमाटर 2 मिनट हो गया दोस्तों, अभी हम करेला ऐड कर देते हैं। फ्राई किया हुआ आलू ले लेते हैं स्लो गैस में दोस्तों, 3 से 4 मिनट तक इसको ढक्कन लगा के भाजेंगे, पानी में ऐड नहीं करेंगे, 3 मिनट तक इसको ढक्कन लगा के बीच बीच में। ये देखिए दोस्तों, 2 मिनट हो गया है, मैं गरम मसाला 1 चम्मच दे दिए, और एक कटा हुआ हरी धनिया, गैस को हाई कर रही हूँ दोस्तों, इसको 1 मिनट अच्छे से गरम मसाला मिक्स हो जाए, जैसे भून लिए हैं। देख सकते हैं दोस्तों कितना अच्छा भाजी बन के रेडी हो गया है। अभी इसको गैस बंद कर देते हैं, खाने के लिए इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए दोस्तों, कितना अच्छा करेला का भाजी बन के रेडी हो गया, करेला बटाटा का भाजी। रेसिपी कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय।